I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what. So what's up guys, welcome back to the video. Hope you are ठीक होंगे. आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में. मैं 2 से 3 पॉइंट्स इस वीडियो में मैं क्लियर कर रहा हूँ आप सबके, कि आपके काफ़ी इसी वीडियो में आपके, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं चेक करना चाहता कि हाँ मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, और मैं एक वीडियो में आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं लैंग्वेज टेस्ट जो है उसके बारे में कुछ आपको बताऊँगा. सेकेंड की जो आइल्स की रिक्वायरमेंट अब कनाडा गवर्नमेंट ख़त्म कर दी है या नहीं करी, और थर्ड एक बहुत ही मतलब टिप के हिसाब से ले लो कि कैसे कौन सी ऐसी प्रोविंस है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अगर आपके एक मॉड्यूल में 5.5 है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब. बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा. तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं. चलिए जो नॉइसेज हैं वैसे रहेंगी पीछे. प्लीज़ जो आपको अगर हॉर्न्स की आवाज़ आती हो तो उसको प्लीज़ नेगोशिएट करिएगा. तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि लैंग्वेज सबसे पहले आइल्स, पीटी एंड डुओलिंगो. ये जो थर्ड जो मैंने लैंग्वेज की बात करी, डुओलिंगो काफ़ी पिछले महीनों में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी. बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स का ध्यान यहाँ से हटकर, आइल्स से हटकर डुओलिंगो की तरफ चल गया था. क्यों चल गया था आई डोंट नो अबाउट दैट, क्योंकि काफ़ी सस्ता था. मतलब अगर 12,000 का अगर आइल्स का एग्ज़ाम था तो डुओलिंगो 6,000 का था. बहुत मतलब कम प्राइस में था और ऑनलाइन था. तो काफ़ी जिनसे आइल्स कंप्लीट नहीं हो रही थी, क्लियर नहीं हो रही थी, तो वो डुओलिंगो की तरफ चले गए, क्योंकि वो आसान भी था और मतलब कि ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था. और अब मैं बात बताता हूँ कि काफ़ी क्वेश्चंस हुए कि ये डुओलिंगो एक्सेप्ट कर रहा है स्टडी परमिट के लिए कनाडा गवर्नमेंट, कर रही है या नहीं कर रही है. तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सीधे साफ अक्षरों में कि नहीं कर रही है. IRCC ने अपनी ऑफिशियली उन्होंने बोल दिया हुआ है कि यस वी आर नॉट एक्सेप्टिंग डुओलिंगो. डुओलिंगो एक उसकी जगह मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं है या उसका अल्टरनेटिव नहीं है आइल्स का. आपको आइल्स टेस्ट देना ज़रूरी है, बट इफ़ यू आर लाइक अगर आपके एक मॉड्यूल में 5.5 हैं या 2 मॉड्यूल में 5.5 है, आपने डुओलिंगो भी कराओ तो आप उसको अटैच कर सकते हैं अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए. या आपको अगर ओवरऑल 6.5 या 7 चाहिए, आपका कोई प्रोग्राम ऐसा है, अगर आपको ईच 6 ओवरऑल 6.5 चाहिए, आपके नहीं 6.5 बन रहे, आपके ईच 6 ही हैं, तो आप डुओलिंगो जो टेस्ट है आप उसके साथ अटैच कर सकते हो. तो यही चीज़ जर्नल में भी है. मेरे को पता नहीं है कि हाँ ये चीज़ PR में काम हो सकता है नहीं हो सकता, बट हाँ अगर आपने स्टडी परमिट के ऊपर मैं बात करूँ तो ये चीज़ है. और डुओलिंगो टेस्ट जो है वो काफ़ी हद तक कुछ स्टूडेंट्स ने दिया, उसका जो फीडबैक काफ़ी अच्छा भी नहीं रहा. IRCC ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया वो अपनी वेबसाइट पे कि यस वी आर नॉट एक्सेप्टिंग डुओलिंगो. उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं वो, और रात को 1:30 बजे उन्होंने एक बॉम्ब की तरह ना सारे स्टूडेंट्स को हिला के रख दिया था, कि जो डुओलिंगो को एक अपना वो मान के बैठे थे, कि एक हथियार मान के बैठे थे, कि अगर आयल्स नहीं हो रहा तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है. तो उन्होंने IRCC ने ये लिखा है, अनलेस अप्लाइंग अंडर द SDS मतलब स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, मोस्ट स्टडी परमिट्स डोंट हैव लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायरमेंट. देर आर करेंटली नो ऑनलाइन लैंग्वेज टेस्ट दैट आर एक्सेप्टेबल फॉर इमिग्रेशन प्रोसेसेस. डुओलिंगो इज नॉट एक्सेप्टेबल. मतलब कि आयल्स के अलावा अगर आपने कनाडा जाना है आयल्स के अलावा, तो भाई लोग नो पीटीई नो डुओलिंगो, सिर्फ और सिर्फ आइल्स. बिकॉज आइल्स कनाडा
क्यों एक्सेप्ट करता है मेरे को तो ये नहीं पता, बट उन्होंने पूरा लिख दिया हुआ है, मैं आगे स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा कि क्या उन्होंने लिखा है आरसीसी ने, आप जाके देख भी सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आ गया हमारा विदाउट आयल्स, क्या आप स्टडी परमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप कनाडा जा सकते हैं विदाउट आयल्स? आई थिंक सो, नहीं शायद। मैं आपको उस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि क्या चीज़ है, अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, बट अगर मैं आपको क्लियर करने भी आऊँ तो यही चीज़ है कि अगर आप SDS में अगर अपनी फाइल लगवा रहे हैं स्टूडेंट रजिस्ट्री में, जिसमें आपको 30 से 45 डेज में उनको जवाब देना होता है आपको, जिसमें आपके ईच 6 ओवरऑल 6 बैंड्स होते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आपका IELTS रिक्वायरमेंट है। और अगर आप नॉन SDS में अपनी फाइल लगवा रहे हो, अगर आप नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में अपनी फाइल लगवा रहे हो तो वहाँ पे IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें बहुत से एजेंट्स बोलते हैं कि आपकी नॉन SDS में फ़ाइल लगेगी, ओके IELTS है आपके पास, जस्ट फॉर कि आपकी जो फाइल है वो स्ट्रांग हो जाए कि हाँ इसने लैंग्वेज टेस्ट दिया है, बट क्या है कि एक मॉड्यूल में या दो मॉड्यूल में इसके 5.5 हैं और इसलिए इसकी नॉन SDS में ये फाइल लग रही है। और इसमें मैं आपको ये बोलता हूँ कि जब जब कभी भी आपके इसमें ऐसे 5.5 या 1 में 5.5 2 में 5.5 आए बैंड्स, तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि आप एक यार ESL कोर्स है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का कुछ ऐसा कोर्स है, वो आप ज़रूर अपने साथ ऐड ऑन कर लीजिए। अपने एजेंट को बोल दीजिए कि जो आपको एक सेमेस्टर में वो अपने साथ वो इंग्लिश का कोर्स पढ़ना होता है, तो इससे आपको और थोड़ा वीज़ा का जो रेशो होता है वो थोड़ा सा और हाई हो जाता है कि ये चांसेस हो जाते हैं आने के। तो इसलिए ये चीज़ है कि नॉन SDS में आपको IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी वैसे ही प्रोफाइल बहुत अच्छी है या आपने ESL कोर्स ले लिया हुआ है, आपने IELTS नहीं करनी है, आपने ESL कोर्स ले लिया हुआ है, तो आपको लगता है आपकी फाइल वैसे ही स्ट्रॉन्ग है नॉन SDS में विदाउट IELTS भी स्ट्रॉन्ग है, तो आप लगा सकते हो। बट मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो फाइल है अपनी उसमें आप अपना IELTS ज़रूर ऐड कर दीजिए, चाहे आपकी 1 में 5.5 भी क्यों ना हो, आपकी नॉन SDS में फाइल लग जाएगी। बट अगर आप ऐसे ही देना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, ये सब कुछ आपके ऊपर है। तो उसके बाद बात करते हैं प्रोविंस की, कौन सी ऐसी प्रोविंस है जो आपको 5.5 बैंड के ऊपर फी उठा रही है, वेट कर रहे हो ना इस चीज़ की, चलो मैं बता देता हूँ। वो एक ही प्रोविंस है मेरे हिसाब से, कोई और प्रोविंस नहीं उठाती इतने स्टूडेंट्स जितने की क्यूबेक एक प्रोविंस है जो स्टूडेंट्स उठा लेती है 1 मॉड्यूल में 2 मॉड्यूल में 5.5 विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, कुछ इतना लंबा चौड़ा उसका वो भी नहीं है। और अगर आप बात करें और प्रोविंसेस की तो वो काफ़ी आनाकानी करते हैं कि ये वो कुछ भी। मेक श्योर कि ये मत करिए कि आपका एक ही चीज़ में आपका सिर्फ फोकस हो सिर्फ IELTS पे। जब जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो हर एक चीज़ को अपने टेबल पे रख के हर एक चीज़ को देखता है मेरे हिसाब से, बट आई एम नॉट द वीज़ा ऑफिसर। अगर मेरे सामने होता तो मैं तो सभी को वीज़ा दे देता, तो वो आपकी हर एक चीज़ मेरे हिसाब से हर एक चीज़ देखते हो, बट आई एम नॉट श्योर, क्या पता वो IELTS ही देखते हो, क्या पता। तो यही थी आज की वीडियो, और अगर आपके 1 मॉड्यूल में 2 मॉड्यूल में आपके 5.5 बैंड हैं तो आप गो फॉर क्यूबेक। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई और प्रोविंसेस बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, आपकी किस्मत है ले भी सकते हैं, बट जो इजीली ले रहे हैं वो है क्यूबेक। और अगर कई स्टूडेंट्स जो जिनका मार्च से पहले से वीज़ा आया हुआ वो अपने देख रहे हैं, कोई फ्लाइट टिकट्स देख रहे हैं, काफ़ी एजेंट्स के पास अगर आपको कॉस्टली लग रही है तो प्लीज़ मेरे को DM कर दीजिए। यस आई हैव अ फ्रेंड जो ये टूर एंड ट्रेवल्स का काम जो करते हैं, तो अगर आपको कोई सस्ती टिकट लगी या फिर मैं आपको चीपर टिकट दिला पाया तो आप मुझको बता सकते हैं। आपने तो हर जगह पे अगर आपको कहीं से कितने की मिल रही है, अगर मेरे से सस्ती मिल रही है तो आप ले सकते हो फॉर श्योर, क्योंकि इट्स एडवर्टाइजमेंट, ऐसे होता है। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है, बट अगर कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इतने पैसे वो लोन वगैरह पकड़ के जाते हैं, तो ये होता है कि हम जो मार्जिन होता है वो कम रख लेते हैं, तो ये मेरा काम नहीं है, मैं टिकट्स बुक नहीं करता हूँ, मेरा फ्रेंड है वो ही करता है। तो अगर वो अपना मार्जिन कम करके अगर कुछ कर सकता है तो इट्स गुड। अगर आपको कहीं से बाहर से महंगी टिकट मिल रही है,
आपको थोड़ी सी सस्ती चाहिए, मैं ये नहीं बोलता बहुत ज़्यादा सस्ती, 2-4-5-10 हज़ार, 10 हज़ार तो बहुत ज़्यादा, 5 हज़ार का अगर फ़र्क पड़ता हुआ है 10 हज़ार का भी होता होगा, मेरे पास तो ऐसा कुछ राइट नहीं है, तो उसके पास ये आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और अगर हो सका आपको वैनकूवर या टोरंटो की अगर कहीं और भी आपने किसी और प्रोविंस में जाना हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, मेरे को डीएम कर सकते हैं, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन इट्स ओनली फॉर यू, मेरे लिए कमेंट सेक्शन नहीं है भाई, कमेंट कर दो, कमेंट करके मेरे को बताया करो कौन सी वीडियो आपको चाहिए और मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊँ। काफ़ी जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया हुआ है उनकी अपकमिंग वीडियोस आ रही हैं, मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर रहा हूँ, सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए चैनल, कर दीजिए सब्सक्राइब, तो मिलते हैं आपके साथ गर्मा गर्म अगली वीडियो के साथ विद द न्यू लेटेस्ट न्यूज़, थैंक यू।